जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दोस्तों, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, एजुकेशनल असेसमेंट आपके बीएड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसी का आज हम पहला यूनिट देखेंगे। और इस पहले यूनिट में कुछ बेसिक ऐसे सवाल होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है कि बीएड में अगर आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो ये सवाल इसमें से आना ही आना है। और हम समझने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल सा टॉपिक है, नॉर्मल सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम समझ लेंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, पहले आइए एक बार शॉर्ट समरी देख लेते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, ठीक है। मूल्यांकन के अलावा दोस्तों हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि मापन क्या होता है। इंग्लिश में बात करें तो मेजरमेंट, आकलन को असेसमेंट कहते हैं, मूल्यांकन को इवैल्यूएशंस कहते हैं। और दोस्तों कुछ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस होते हैं, कुछ मूल्यांकन के प्रकार होते हैं, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण। दो और इम्पॉर्टेंट हैं जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, यानी कि संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। तो ये वो कंप्लीट ऐसे पॉइंट्स है जो कि हर साल आपसे सवाल में पूछा ही जाता है और इसको आसान से भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल इस बात से परिचित हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस एज में है कि उन्हें बस समझने की ज़रूरत है, बाकी लिखेंगे तो वो अपने शब्दों में। तो अब जैसे यहाँ पे एक बात आती है कि मापन का अर्थ क्या होता है, तो अब मापन का अर्थ एग्जैक्टली होता क्या है। इंग्लिश में इसको मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट होता क्या है। जैसे हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने लेंथ हाइट नापना हो या फिर डिस्टेंस नापना हो, वेट मेजर करना हो, कोई भी जब आप मेजर करते हैं तो वास्तव में आप करते क्या हैं। जैसे मान लीजिए मैं कितना लंबा हूँ, मेरी हाइट एक मेरी विशेषता है, तो इस मेरी विशेषता को आप क्या करेंगे, आप एक अंक में बता देंगे कि ऐसा है आप 5 फीट 10 इंच है। तो आपने क्या किया, मेरी किसी विशेषता को आपने नंबर्स में डोनेट कर दिया। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो कौन कितना दूर है, आप इसको क्या करते हैं, अंकों में नंबर में डिनोट कर देते हैं, मतलब उसे प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अभी दिमाग में आ जाएगा, हाँ जी। तो आप क्या करते हैं, उसे नंबर में प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। ये डिसाइड कैसे होगा कि ये 10 मीटर है या 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, या मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच, ये फिट के डिस्टेंस। तो वास्तव में क्या है, जो हमारी यूनिट्स प्रणाली है जिसे हम SI यूनिट साइंस में कहते हैं, उसने ऑलरेडी एक पैमाना तय कर रखा है कि इतने डिस्टेंस को हम 1 फीट कहेंगे, इतने डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहेंगे, इतने ग्राम वेट को हम क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम कहेंगे, इतने वेट को हम एक, तो ये पहले से निर्धारित है। तो हम क्या करते हैं, उसी पहले से निर्धारित मात्रक से, उस पहले से निर्धारित मापन से, उस पहले से निर्धारित यूनिट से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि 1 फीट के कितने हिस्से आपके बन रहे हैं, उस 1 फीट का कितना गुना आप हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ से अगर आप समझ गए हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिखेंगे कि मापन वास्तव में क्या होता है। दोस्तों, कोई भी भौतिक राशि है उसके परिमाण को संख्या में व्यक्त करना। जैसे मैंने बताया कि मेरी हाइट को आपने क्या किया, नंबर में डिनोट कर दिया, ठीक है। कभी कभी कुछ वर्ड फंस जाता है, तो आपने क्या किया, संख्या में व्यक्त कर दिया, संख्या में रिप्रेजेंट कर दिया, संख्या में आपने उसको बता दिया, संख्या में आपने पॉइंट आउट कर दिया, संख्या में आपने डिनोट कर दिया, ठीक है, मापन कहते हैं। तो आपने क्या किया, किसी भी भौतिक राशि को आपने क्या किया, परिणाम को, रिजल्ट को, किसी भी रिजल्ट को आपने नंबर्स में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मापन मूलतः क्या है भाई, तुलना करने की प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा को तुलना पूर्व निर्धारित मात्रा है, पूर्व निर्धारित का मतलब ये पहले से डिसाइड है कि इतने ग्राम को हम, इतने वेट को हम 1 ग्राम कहेंगे और इतने हाइट को हम 1 फीट कहेंगे, इतने डिस्टेंस को, तो ये पहले से निर्धारित है। तो वास्तव में दोस्तों मापन क्या होता है, वास्तव में मापन ये है कि जो पूर्व निर्धारित मात्रा है ना उसी से हम तुलना कर देते हैं। बात समझ में आ गई, इतना तो बहुत आसानी से समझ आएंगे। अब उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। यहाँ मीटर एक मानक मात्रक है जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। उसी तरह से कुछ अन्य मात्रक हैं जैसे सेकेंड, द्रव्यमान, किलोग्राम। अब सेम चीज़ देखिए, मैं आपसे कह दूँ कि ये वीडियोज़ कितनी लंबी है, तो आप इसको क्या, जैसे एक पल होता है ना, एक क्षण होता है, जैसे
इसको एक सेकंड, इतने समय को हम एक सेकंड से पूर्व निर्धारित है, पहले से हम इसको मानते हैं, पहले से ये तय है कि इतने समय को हम एक सेकंड कहते हैं। अब ये वीडियो कितनी लंबी है और 60 सेकंड को एक, ये पहले तो ये वीडियो कितने उतने समय के हिसाब से हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तय करते हैं कि ये कितना, तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, पूर्व निर्धारित मात्रा से, पूर्व निर्धारित मात्रक से हम उसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए एक बार हम बस इसको समझ लेंगे, फिर आप इसको आसानी से लिखिएगा। अब इस शब्दों में अपने आप को लिखना है कि मात्रक क्या है भाई, किसी भी भौतिक राशि के परिणाम यानी कि रिजल्ट को नंबर्स में डिनोट करने, नंबर्स में रिप्रेजेंट करने, नंबर्स में व्यक्त करने का क्या है, प्रक्रिया है। वास्तव में हम इसमें क्या करते हैं कि प्री डिफाइंड पूर्व निर्धारित मात्रक से हम उसकी तुलना करते हैं, हम उस मापन की तुलना करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम संख्या में डिनोट करते हैं, संख्या में रिप्रेजेंट करते हैं, संख्या में व्यक्त करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एज एन एग्जांपल, अगर किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है तो हम ये बताते हैं कि पूर्व निर्धारित मात्रा मीटर से वो कितना गुना है, उससे हम क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब सेम चीज़ को दो अगर परिभाषा आप एग्जाम में लिख देंगे तो मास्टर कहेगा वाह बच्चा क्या लिख के आया है। मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसी निश्चित स्वीकृत नियम से, ठीक है, अंक प्रदान करने की क्या है, प्रक्रिया है। किसने कहा था, एस स्टीवेंस ने कहा था। ठीक है, अब हेलमजेस्टर ने कहा था मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। किसी भी व्यक्ति पदार्थ या वस्तु में निहित जो उसकी विशेषता है उसका अंकों में वर्णन करना ये क्या कहलाता है, मापन की प्रक्रिया कहलाती है। ये दो परिभाषा आप लिख दीजिएगा, आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। समझ में आ गई, मापन में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बात करते हैं आकलन, आकलन भी समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे कह दूँ कि आप मेरा आकलन करिए कि मैं किस प्रकार का लड़का हूँ या किस प्रकार का मैं इंसान हो सकता हूँ। आप अगर इतने दिनों से मुझसे जुड़े हैं तो आप मेरे आकलन कर सकते हैं कि हाँ ये फालतू के वीडियोस नहीं बनाता, इसके शब्दों का उच्चारण कैसा है, ये शब्दों का प्रयोग कैसे करता है, या फिर इनके बोलने की शैली की, तो आप क्या कर सकते हैं, आकलन कह सकते हैं। देखिए आकलन को वास्तव में कैसे है, पास बैठना एवं अवलोकन करना। तो आप सोचिए ना, मेरे पास ही तो बैठे हैं, मैं आपके पास ही तो बैठा हूँ, आप बैठ के मुझे अवलोकन कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं, मेरे बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं, मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये इसकी छवि कैसे हो सकती है, इसकी प्रकृति कैसे हो सकती है, ये कैसा इंसान हो सकता है। तो वास्तव में आकलन को सरल भाषा में कहते हैं पास बैठना और अवलोकन करना, मतलब देखना, ऑब्जर्व करना। यदि क्लासरूम की बात करें तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति उपलब्धि की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने को सुनिश्चित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। क्लासरूम में बैठ के अगर आप बच्चे को देख रहे हैं कि ये बच्चा है कैसा, इसका स्वभाव कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, ये आगे कैसे कर सकता है, खेल में इसकी रुचि कैसी है, पढ़ाई में इसकी रुचि कैसी है, ये सब समझना, ये सब देखना और इसके बारे में एक अनुमान लगाना, इसके बारे में एक अनुमान बनाना, इसके बारे में एक दिमाग का मेंटेलिटी क्रिएट करना, वास्तव में इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, आकलन कहते हैं। आपने गांव में अक्सर सुना होगा कि आंकना किसी को आंकना, अभी आपके बारे में हम क्या कर रहे हैं, कुछ अनुमान लगा रहे हैं। सो दिस इज सेम थिंग आकलन होता है, दिस इज सेम थिंग असेसमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गई, बहुत अच्छा। आकलन की परिभाषा की बात करें, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। किसी भी वस्तु को परिभाषित कर कुछ प्रक्रिया जैसे चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं के उपयुक्त प्रयोग से छात्रों के विकास में अधिक छात्रों के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया आकलन है। मतलब उसके किस प्रकार का चयन उसको कर रहा है, किस प्रकार का संग्रह, इन सभी के विश्लेषण से या सभी की सूचनाओं से हम क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई में, उसके अधिगम में और बेहतर करेंगे, और इसी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। उसको देखना, उसको अवलोकन करना, उसको समझना, उसके बारे में एक अनुमान लगाना, वास्तव में यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो इसके बाद से वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं किसके बारे में, मूल्यांकन के बारे में। तो मूल्यांकन वास्तव में क्या होता है, देखिए ये एक सवाल मैं आपको दिखा दूँ, अभी मैं UGC नेट का पेपर दे के आया था तो सेम यही सवाल पूछा गया था कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मूल्य प्लस मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अब आपने मापन तो कर लिया, जैसे अगर आप मापन कर लेते हैं किसी भी भौतिक राशि को, आपने परिणाम में अंकों में उसको व्यक्त कर दिया, अंकों में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से आपका एक और काम होता है कि आप उसकी वैल्यूएशन करेंगे, आप उसका इवैल्यूएट करेंगे, आप उसका मूल्य बताएंगे। अब मूल्य बताने का मतलब, अब मान लीजिए मेरी वीडियोस अगर आप सेकेंड ईयर में देख रहे हैं तो आपने इससे पहले भी मेरी वीडियोस को देखे होंगे, आप फर्स्ट ईयर में देखा होगा, तो
उस फर्स्ट ईयर के आधार पर आप हमें ये बताइए कि क्या ये वीडियो वर्थ इट है, इस मेरे चैनल के मूल्य क्या है, मेरे चैनल का महत्व क्या है, क्या मेरा चैनल सच में देखा जाना चाहिए, क्या मेरा चैनल किसी और को भी देखा जाना चाहिए, क्या मेरा चैनल बंद कर देना चाहिए। तो आप इसको मूल्य निर्धारित करेंगे कि हाँ चलो ये वर्थ इट है, मतलब ये योग्य है कि इसको देखा जा सकता है। सिमिलरली अगर हम पढ़ाई की बात करें, किसी बच्चे का एग्जाम हुआ, आपने उसको नंबर दिया, उस नंबर के बाद आप ये डिसाइड करेंगे क्या ये बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना चाहिए, क्या ये बच्चे को पढ़ाई में कहाँ कहाँ तक और मेहनत करनी है। तो जब हम उसका अंकों के बाद उसका मूल्य निर्धारित करेंगे तब हम उसे मूल्यांकन कहते हैं। किसी बच्चे का अगर 40% आता है तो 40% पे हम ये देखेंगे कि वो बच्चा अभी उस पोजीशन पे है जहाँ पे उसको बहुत सुधार करने के, तो हम उस पे क्या करेंगे और मेहनत करेंगे। और कोई बच्चा बिल्कुल कम है तो आप बिना मतलब उसको क्लास में प्रमोट नहीं कर सकते। कोई बच्चा मान लीजिए 10% मार्क ला रहा है तो आप उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे तो ये उसके लिए और नुकसानदेह है। आप उसको उसी क्लास में और मेहनत कराएंगे और जब आप देखेंगे उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे आगे वाली क्लास में भेजेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इवैल्यूएशन कहते हैं, मूल्य निर्धारण कहते हैं, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। तो वास्तव में मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मूल्य का आंकन करना, यानी कि मूल्यांकन का मतलब मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया है। अब मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है। अब इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है कि मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य निर्धारित करना, अंकों का मूल्यांकन करना, और ये एक शिक्षण प्रक्रिया का अंग है जो निरंतर चलती रहती है। मूल्यांकन ऐसा नहीं कि हमेशा चलती रहती है, शिक्षक अपनी कक्षाओं में लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। मापन के अंतर्गत किसी भी वस्तु या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। मापन की बात हो रही है, मापन में क्या होता है उसके गुणों का वर्णन होगा, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति या वस्तु के मूल्य निर्धारित किया जाता है। समझ में आ गई बात। मापन में आपने उसके मूल्यों का वर्णन किया और मूल्यांकन में उसके मूल्यों सॉरी मापन में आपने अंकों में वर्णन किया, उसकी विशेषताओं का अंकों में वर्णन किया, और मूल्यांकन में क्या किया उसके अंकों का मूल्य निर्धारित किया। वास्तव में यही मूल्यांकन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मापन का मूल्य निर्धारण करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण योग्यता अथवा विशेषताओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अतः मूल्यांकन परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होगी। मतलब समझ, क्वालिटेटिव का मतलब जब हम किसी की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो आप बताएंगे ना कि बच्चा किस लेवल का है, किस परसेंटेज पे है, किस इसका स्टेटस क्या है, इसका लेवल क्या है, ये बताएंगे आप। तो ये हो गई परिणात्मक, ये हो गई दोस्तों गुणात्मक, सॉरी ये हो गई उसकी क्वालिटेटिव। जब आप ये बताएंगे कितने नंबर पाया है तो आपने क्या किया, ये हो गया उसका परिणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव। तो मूल्यांकन जो प्रोसेस होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। हाँ, इसके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है भाई, इसी प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मापन प्लस मूल्य निर्धारण करना। अब यहाँ तक आप समझ गए तो बाकी और आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से अपने शब्दों में बना के लिखेंगे कि मूल्यांकन में क्या करते हैं भाई, विद्यार्थियों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, किस सीमा तक हुआ, उसका मूल्य निर्धारित करेंगे, निर्णय लेंगे। अतः मापन जो है मूल्यांकन का एक भाग है, इसी तरीके शब्दों में बना के लिख लेंगे। दो चार और पॉइंट है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो अब बहुत ही कैजुअली हम मतलब एक समझने के प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। और ये ऐसा टॉपिक है कि आपको आप खुद हमें बताइए, किसी भी बच्चे का आप मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं तो क्यों करते हैं भाई। आप सबसे पहले तो जानेंगे कि वृद्धि और विकास, आप इसलिए उसको टेस्ट करेंगे कि आप उसको हेल्प कर सकें उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, उसको और इम्प्रूव कर सके और हेल्प कर सके, तो वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए, कोई डाउट नहीं। वो कितना सीखा, कितना उसका ज्ञान का अर्जन हुआ, इसकी जानकारी लेने के लिए। वृद्धि विकास में अगर कोई बाधा अवरोध, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो उस कारण को जानने के लिए और उसको हटाने के लिए। उस शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना, सेम थिंग, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है उसके सीखने में, कोई उसे परेशानी तो नहीं है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी, जैसे कुछ बच्चे ज़्यादा नंबर पाते हैं, कुछ बच्चे कम, तो उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, ये भी जानना, हमें उससे पर जानकारी प्राप्त होती है, किससे, मूल्यांकन से। हाँ, कक्षा उन्नति, कक्षा में उन्नति, मतलब कोई थर्ड क्लास में है तो फोर्थ क्लास के लिए भेजने के लिए, कोई फिफ्थ में है तो सिक्स में भेजने के लिए, इस तरीके के लिए भी हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण, और हम जैसे बड़े क्लास में कोई आईटीआई कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, तो हम ये क्या करते हैं, एक प्रमाण पत्र भी देते हैं उनको। तो ये सब चीज़ें क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं।
शिक्षण में सुधार लाना, अध्यापक की शिक्षण प्रणाली। अच्छा ये भी तो चेक करते हैं ना कि टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा है। बच्चा अच्छा कर रहा है तो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चा अच्छा नहीं कर रहा तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। तो इससे क्या होता है भाई, अध्यापक के शिक्षण की प्रभावशीलता की भी जाँच होती है। बहुत अच्छा, एक और टॉपिक है देख लेते हैं। हाँ, मूल्यांकन के सोपान मतलब स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सोपान क्या होता है, मतलब कैसे आप किसी का इवैल्यूएशन करेंगे। देखिए मान लीजिए आप किसी बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं ये जानने के लिए कि उसे अगले क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है, अगर वो फिफ्थ में है तो वो सिक्स में जाने के लिए डिजर्व करता है कि नहीं करता। तो इसमें सबसे पहला क्या है भाई, सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करना। आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स जानने की कोशिश करेंगे कि आप वो क्यों कर रहे हैं, आप इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं। दूसरा, विशिष्ट उद्देश्य, कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं उस, जैसे सामान्य उद्देश्य का मतलब उसे कितना नॉलेज है, स्पेशल का मतलब उसे अगले क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है। तो आपका पहला क्या है भाई, सामान्य उद्देश्य जानना, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य जानना, स्पेशल ऑब्जेक्टिव जानना, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना, जो भी टीचिंग पॉइंट्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं या फिर टेस्टिंग मेथड्स हैं उसको सेलेक्ट करना। तो ये क्या है भाई, स्टेप है। पहले आप ये दोनों डिसाइड करेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे किस पॉइंट से हम उसे पढ़ाएं और कैसे उसका असेसमेंट करें, कैसे उसका मूल्यांकन करें, उपयुक्त अधिगम क्रिया का। अब जब आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे तो एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ का आप ऑर्गेनाइज करेंगे, अधिगम उपयुक्त अधिगम क्रियाएँ क्या करेंगे, आयोजित करेंगे, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर कितना बिहेवियर चेंज हुआ है और उसके आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे और बाद में आप क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। बाद में आप फीडबैक का मतलब पृष्ठ पोषण करेंगे। तो ये स्टेप है दोस्तों, इवैल्यूएशन का स्टेप है, एग्जाम में पूछता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो गई इवैल्यूएशन के स्टेप्स की। अब इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समग्रता, अब ब्रॉडर सेंस में अगर आप मान लीजिए इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप केवल किसी एक सब्जेक्ट का नहीं कर सकते या केवल उसके सब्जेक्ट नॉलेज का आप नहीं कर सकते, आप साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसका फिजिकल कितना डेवलपमेंट हुआ, मेंटल कितना डेवलप हुआ। तो एक समग्रता होनी चाहिए आपकी इवैल्यूएशन में। दूसरा दोस्तों, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब आप पक्षपात नहीं कर सकते, आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते, आप ये देखेंगे कि सच में उसके अंतर्गत जो आप रिजल्ट दे रहे हैं ना वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई एक टीचर है उसको फेल कर दिया जबकि दूसरा टीचर उसे टॉप कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वसनीयता होनी चाहिए कि जब आप इवैल्यूएशंस कर रहे हैं तो वो यकीनन विश्वसनीय होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए सेम रिजल्ट, जैसे कोई भी चेक करे तो लगभग वही रिजल्ट है, तो इस तरीके की वस्तुनिष्ठता। व्यवहारिकता का मतलब उसके व्यवहार का अध्ययन हो, वैलिड हो, जो आप रिजल्ट दे रहे हैं वो वैलिड हो। विवेकीकरण मतलब ऐसा नहीं कि सबका एक ही जैसे आ रहा है, नहीं, अलग अलग कुछ डिफरेंसेस हो। ठीक है, और पूर्व कथनात्मकता, जैसे मान लीजिए बच्चा कोई पढ़ने में तेज है वो पहले से आप आभास कर सकते हैं, पहले से आप उसको जान सकते हैं, तो उससे कुछ संभव, ऐसा नहीं कि जो बच्चा क्लास में सबसे ज़्यादा एक्टिव था, सबसे अच्छा परफॉर्म करता था वही फेल हो गया, तो आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों फेल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्व कथनात्मकता, ये कुछ विशेषताएँ होती हैं हमारी इवैल्यूएशंस की। जब हम इवैल्यूएशंस करते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जान सकते हैं। अब हम एक लास्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, मूल्यांकन के प्रकार। और मूल्यांकन के प्रकार को हम देखेंगे नहीं, बस समझते हुए चलेंगे, हालांकि पूछता है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है संरचनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए इसको थियरी हम नहीं जानेंगे, हम ऐसे नॉर्मल समझ लेते हैं। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोस्टली गर्ल्स हैं अगर बीएड में, तो ऐसा नहीं कि खाना केवल गर्ल्स ही बनाती हैं, नहीं, बॉयज़ भी बनाते हैं। इवन मैं खुद खाना बनाता हूँ और जो जिन्होंने मेरे हाथ से खाया उनको पता है कि मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, हम और आप सब एग्जांपल के तौर पर खाना बना रहे हैं, तो आप खाना बनाने के दौरान मान लीजिए पनीर की सब्जी बना रहे हैं, आप पनीर की सब्जी बनाने के दौरान आपने अपने बेटर हाफ को, आपने अपने किसी को ख़ास तौर पर पूछा, किसी को दिया कि आप ज़रा चेक करके बताइए कि खाना कैसे बनाएं। उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करके बताया कि खाना सही है, या मे बी उन्होंने फीडबैक दिया कि नमक थोड़ा कम है, थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है, ये एक हो गया टेस्ट करना। हाँ, ऐसे लोगों को दीजिएगा कि सही फीडबैक दे दे। ठीक है, आप अपनी ननद को मत दे दीजिएगा, पता चले नमक सही है और ज़्यादा डलवा देगी, बाद में आपकी शिकायत हो जाएगी। तो वैसे भी उन लोगों की बनती नहीं है, हालांकि अच्छे लोगों की बनती है, मगर हाँ फिर भी ख्याल रखिएगा, ऐसे लोगों को दीजिएगा जो सही फीडबैक दे। खाना बना रहे हैं, अच्छा आप अपने हस्बैंड को दे दीजिएगा, वो बेचारा खाना अगर सही भी, उसकी हिम्मत नहीं कि वो कह दे कि खाना सही नहीं बना है, तो ऐसे खान देवर को दे दीजिएगा, देवर वो उसको आप दे सकते हैं, भाई को दे सकते, भाई भी तो असल चिढ़ाने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब आप खाना बना रहे हैं और खाने बनाने के दरमियान बीच में आप किसी को टेस्ट करने के लिए देते हैं कि भाई देख के बता कैसा बना है,
तो ये जो मूल्यांकन होता है, ये जो असेसमेंट होता है ना, वो संरचनात्मक और योग्यात्मक मूल्यांकन होता है। यहीं से टॉपिक समझ जाइएगा, क्योंकि जब आप बीच में टेस्ट कराते हैं तो वो किस नियत से कराते हैं, अगर कुछ कमी रहेगी तो मैं उसको सुधार कर लूँगा। अच्छा, टेस्ट भी कब करते हैं, जब खाना बन रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाना बनने के बाद तो सीधा खाया जाता है, उस समय टेस्ट कब होता है, जब खाना बन रहा होता है, ठीक है। किस नियत से, कि उसमें सुधार किया जा सके। इसके विपरीत, मान लीजिए खाना बन गया, सब लोग खाना खा रहे हैं, आपकी सासू माँ, आपके ससुर जी, आपके हस्बैंड, आपके देवर, सब खाना खा रहे हैं, और वहाँ पे अगर आपको कोई इवैल्यूएट करता है कि खाना अच्छा नहीं बना है या खाना अच्छा बना है, तो वो जजमेंट होता है, वो रिजल्ट होता है। वहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट, वहाँ पे तो आपकी बेइज्जती, शिकायत हो जाएगी, या फिर हो सकता है तारीफ भी हो जाए, हो सकता है आपको कुछ दक्षिणा मिल जाए, हो सकता है कुछ नेक मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ गिफ्ट मिल जाए उस समय। तो जो लास्ट में होता है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपका रिजल्ट है, वहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर अनाउंसमेंट है कि आपने कैसा खाना बनाया। तो जो लास्ट वाला होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं समेटिव, उसको कहते हैं योगात्मक। अब देखो, खाना खाने की एग्जाम में ऐसे मत लिख देना कि खाना वाली एग्जाम पर। अब ज़रा समझ लो कि एग्जाम में आपको लिखना क्या है, वास्तव में संरचनात्मक तो होता क्या है। जब कोई भी प्रक्रिया, जब शैक्षिक योजना है, प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में हो, मतलब चल रही हो, पूरी नहीं हुई हो, जैसे खाना आपका पूरा बना नहीं हो, और उसमें मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके। आप इसलिए करते हैं कि उसमें सुधार हो और ये जान सके कितना अच्छा हुआ है, पढ़ाई कितना अच्छा हो रहा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी उपयोगिता कैसी है। तो जब शैक्षिक प्रक्रिया अपने निर्माणावस्था के अधीन हो, अभी प्रारंभिक हो या निर्माणावस्था के अधीन हो, मतलब टीचिंग, कोई भी टीचिंग प्रोसेस अभी जस्ट स्टार्टेड है, या बिफोर कंप्लीटिंग दैट टीचिंग प्रोसेस, इफ़ यू आर इवेल्युएटिंग दैट टू नो द क्वालिटी, द ऑब्जेक्टिव्स, एम्स ऑफ द टीचिंग, दैट विल कॉल एज द स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन भी कहते हैं, संरचनात्मक इवेल्युएशन भी कहते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी भी शैक्षिक योजना का अंतिम रूप देने से पहले, मैंने बताया ना खाना बनाने अंतिम रूप गैस बंद करने से पहले, तो उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इंग्लिश में इसको फॉर्मेटिव कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसके बिल्कुल विपरीत, जब कोई शैक्षिक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो, शिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद, और उसकी समानता को ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, उसे हम सबमेटिव मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य ज्ञात करना होता है, उसमें योजना को, कार्यक्रम को चालू रखा जाए या नहीं, इसका निर्णय लिया जाता है। जब आप बच्चे का एग्ज़ाम, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब फाइनल एग्ज़ाम में आप इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो समेटिव होता है। आप उसमें ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान बच्चों से सवाल पूछते हैं कि बेटा ये कैसे होता है, तो वो आप समेटिव कहते हैं। जब एग्ज़ाम के बाद वाइवा होता है, फाइनल वाइवा होता है, तो वो समेटिव होता है, क्योंकि वाइवा में आप ये निर्णय लेते हैं कि इस बच्चे को आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, प्रमोट कर। तो जब निर्णय की बात हो, जब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हो, उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक और सबमेटिव कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उस कोई भी योजना को चालू रखा जाए कि ना रखा जाए, जैसे मान लीजिए आपकी ननद जी हो या सासू माँ ससुर, बहुत से आगे खाना बनवाया जाए कि ना, हालांकि बनाओ या ना बनाओ आपको बनाना ही पड़ेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सबमेटिव कहते हैं, ठीक है। चलिए, मूल्यांकन का अभिप्राय पहले से चली आ रही योजना को जारी रखा जाए या नहीं निर्णय लेने का होता है। इसके अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक कार्यक्रम में किसको जारी रखा जाए या किसे छोड़ दिया जाए, इस उद्देश्य की प्राप्ति योगात्मक मूल्यांकन द्वारा की जाती है। समझ में आ गए, ठीक है, समझ गए। तो आप आराम से लिखिएगा कि जब कोई प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो तो उसे संरचनात्मक, पूरी होने के बाद हो तो उसे योगात्मक यानी कि सबमेटिव कहते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ पे समझ में आ गया रचनात्मक, फॉर्मेटिव और योगात्मक, समेटिव के बारे में आसानी से लिख सकते हैं आप। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक अगला पॉइंट देख लीजिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये बड़ा आसान है, और इसको भी मैं एक एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल, आजकल पता नहीं क्यों घर वाले एग्जांपल्स क्यों मुझे आ रहे हैं, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, भाई घर वाले एग्जांपल्स क्यों मुझे आ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप खाना बना रही हैं, ठीक है, खाना बनाने के बाद आपकी सासू माँ किचन में आके आपके खाना बनाने को चेक कर रही है, तो आके कहेंगे क्या कि बहू क्या बना रही हो खाने में, तो सासू माँ को बड़ा प्यार नहीं आ रहा है। दरअसल सासू माँ आपसे सतत मूल्यांकन कर रही हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर रही हैं, वो चेक कर रही हैं कि बना कैसे रही हो, ठीक है, कैसे बना रही हो आप, ठीक। और दूसरी बात, सासू माँ साथ ही साथ देखें ये भी चेक करेंगी कि नमक का डब्बा खुला तो नहीं है, इसने स्लेब गंदे तो नहीं कर रखे, चाकू इधर उधर फेंक तो नहीं रखा है छिलके बाहर से। तो जब देखो सतत कंटिन्यूस चेक करें और कंप्लीट चेक करें कि किचन गंदा तो नहीं है, डब्बा खुला तो नहीं है, छिलके इधर उधर बिखरे तो नहीं है, व्यापक कहते हैं इसको। तो इसी को कहते हैं कंटिन्यूस और
कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन। अब एग्जाम में ये एग्जाम्पल मत देख लेना कि सासू माँ खाना चाहिए। अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हो तो आप कंटिन्यूस चेक कर रहे होते हो, जैसे मान लीजिए आपने कुछ टॉपिक पढ़ाया, उस पर कुछ सवाल पूछा, फिर कुछ टॉपिक पढ़ाया, फिर कुछ सवाल पूछा, ये चेक कर रहे हो कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं कंटिन्यूस इवेल्यूएशन। और कॉम्प्रहेंसिव मतलब आप साथ ही साथ ये देख रहे हो कि बच्चा केवल जवाब दे रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस याद कर ले रहा है, उसकी समझ विकसित हो रही है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक अच्छा इंसान बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब आप ये चीज़ें चेक करोगे तो वो होता है दोस्तों व्यापक मूल्यांकन। वास्तव में इसी को कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन कहते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। बाकी सासू माँ वाला एग्जाम्पल आज कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है। कोई सीरियल या मूवी देख लिया क्या? मैंने मूवीज तो नहीं देखा, बट हाँ चलो ठीक है। देखो सतत मूल्यांकन की बात करें, सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, फॉर्मल या इनफॉर्मल। औपचारिक का मतलब समझिए जब आप कोई टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, तो इसको औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब बीच बीच में आप कुछ पूछते रहते हैं, कोई आपने सरप्राइज टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दी, तो इसको अनौपचारिक कहते हैं। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, पढ़ाने के साथ साथ चलने वाली है। इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। जो आप पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां होती हैं उसको भी देखा जाता है। व्यापक मूल्यांकन का मतलब सासू माँ आपका किचन भी चेक कर रही हैं। व्यापकता से आशा है बच्चे के समस्त कौशल गुणों का, कि बहू रानी कैसी है, साफ सफाई में कैसी है और संस्कार में कैसी है, दुपट्टा उसके सर, आजकल की बहुओं से दुपट्टा एक्सपेक्ट है सासू माँ खुद। अच्छा छोड़ो, मैं इसे कमेंट नहीं कर सकता, वरना पता चले कि मुझे एंटी फेमिनिस्ट घोषित कर, हालांकि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, सबकी अपनी च्वाइस है, जिसको जो मन करे वो करे। हाँ जी, तो देखो व्यापकता कहने का मतलब जब आप कंप्लीट चेक करते हो कि बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, मतलब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं कि नहीं, वो एक अच्छा नागरिक बन रहा है कि नहीं, उनके गुणों का विकास धीमी गति से होता है और वांछित पर, मतलब आप कंप्लीटली ये देखते हो कि बच्चे का मोरली, सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली ये डेवलपमेंट कंप्लीट आप चेक करते हैं, उसको व्यापकता कहते हैं, इसी को हम कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। तो अगर सवाल आपसे पूछता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन, तो सासू माँ वाला एग्जाम्पल छोड़ के आप ये पढ़ाई वाला लिख देना, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं। यह छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। छात्रों द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में सहायक है। इसके द्वारा सीखने के दौरान छात्रों में होने वाली कठिनाइयों को कम किया जाता है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी समय जब आप उसको बताएंगे तो सही हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में कुछ नया नहीं है, जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वही सतत एवं व्यापक का उद्देश्य है, ठीक है। जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन है ये पता लगाना, समुचित विकास करना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को पता लगाना, कोई कठिनाई है तो उसको जानना, उसको दूर करना, बच्चों की रुचियों को जानना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब एक और सवाल है निदानात्मक परीक्षण, इसके बाद इस वीडियो को प्रॉमिस मैं ख़त्म कर दूंगा। इसको देख लीजिए, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। आप टर्म को याद करिएगा, मैं आपको फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपको बस समझ जाना है। जैसे निदानात्मक का मतलब क्या होता है, निदानात्मक का मतलब, इसको इंग्लिश में डायग्नोसिस कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। निदान का मतलब होता है डायग्नोस्टिक, इसका मतलब होता है कि कारण अथवा रोग को जानना कि क्या कारण है। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपके स्कूल में नहीं आ रहा, मतलब क्लासरूम से भाग जाता है, मतलब एब्सेंट रहता है, तो आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के परीक्षण को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा दूसरी भी चीज़, कोई बच्चा मान लीजिए स्पोर्ट्स में एक्टिव है बट पढ़ने में एक्टिव नहीं है, कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ने में तो अच्छा बट शर्माता है, शर्मीला है, कोई बच्चा गाना अच्छा गाता है बट स्टेज फियर है उसके पास, तो क्या कारण है, इन सब चीज़ों को जानेंगे, परीक्षण करेंगे, उसको दूर करेंगे। वास्तव में इसको क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यदि अध्यापक अपने विद्यार्थियों के व्यापक मान्यता पिछड़ेपन या सीखने के संबंधित समस्याओं से अवगत होकर उसका निदान करता है, अथवा विद्यार्थी को इन समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षण करता है, वही जो भी उसके अंदर कमी है उसको जानता है, उसको दूर करता है, उसको पढ़ाता है, उसको समझाता है, वास्तव में यही क्या कहता है दोस्तों, निदानात्मक कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण ज्ञान प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को ज्ञात करने का प्रयास करता है। इसके द्वारा विषय वस्तु के प्रत्येक इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमजोरी को जानने का प्रयास किया जाता है और कारण की खोज भी की जाती है, तथा कि उपचारात्मक, मतलब उसको उपचारात्मक का यूँ समझ लीजिए कि
उसको और बेहतर उसको हल किया जा सके, ठीक है, उसको क्या किया जाए, हल किया जा सके, कदम बालक की शिक्षा की प्रगति हो और वो आगे बढ़े। समझ में एक बात, डायग्नोस्टिक का मतलब, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब दोस्तों कि बच्चे की शिक्षा में कोई कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको जानने की कोशिश किया जाए और उस कारण को हटाया जाए। अगर परिभाषा की बात करें, गुड महोदय ने कहा था, निदान का अर्थ अधिगम संबंधित कठिनाइयों और कमियों का स्वरूप निर्धारण करना है। योकम एंड सिम्पसन ने कहा था कि निदान किसी कठिनाई को उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है, यह तथ्य के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। तो ये हो गए दो परिभाषाएं। कहने की बात यही है दोस्तों कि निदानात्मक का मतलब यही होता है कारण जानना, और कारण जानकर उद्देश्य देख लीजिए, बस इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। उद्देश्य में ही वही चीज़ लिखा है कि किसी भी अध्ययन छात्र में कठिनाई का पता लगाना, पता लगाकर उसमें सुधार करने का उपाय बताना, शिक्षण विधियों में सुधार के लिए सुझाव देना, ठीक है, पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्यक्रम छात्रों में जो भी कमजोरी है उसको ध्यान में रखकर उसमें परिवर्तन लाया जाए, उपलब्धि परीक्षण के पदों का निर्धारण करना, एक शब्द यहाँ पे आया है उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण थी, इसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सार्थक बनाना, अधिक प्रभावशाली इफेक्टिव बनाना, ठीक है, और उपचार करना और सफलता अचीवमेंट टेस्ट, तो ये हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको बस ये बता रहा था उपलब्धि परीक्षण, तीन और टॉपिक है। देखिए ये वीडियो यहीं समाप्त हो चुकी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बस एक छोटी, अध्यापक निर्मित और प्रमाणीकृत परीक्षण, इसको हिंदी में कहते हैं टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और दूसरा है दोस्तों उपलब्धि परीक्षण। ये तीन मतलब दो पॉइंट है, पहला एक अध्यापक निर्मित और प्रमाणीकृत और उपलब्धि परीक्षण, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। आपने अभी तक जितना देखा, आई प्रॉमिस यू कि दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैं अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मैं समाप्त करने वाला हूँ। अभी तक जो आपने देखा, मापन किसे कहते हैं, आकलन किसे कहते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन के प्रकार में आपने संरचनात्मक देखा, योगात्मक देखा, सतत एवं व्यापक देखा, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण देखा आपने, इसको इंग्लिश में अगर हम कह दें तो इस वीडियो में हमने मेजरमेंट देखा, असेसमेंट देखा और मूल्यांकन देखा, और टाइप्स ऑफ मूल्यांकन में हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में हमने देखा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमेटिव इवैल्यूएशन, एज वेल एज हमने देखा डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ हमने सतत और व्यापक मूल्यांकन को कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन देखा। दोस्तों इतने पॉइंट से दो सवाल आपके 100% एग्जाम में आएंगे, एक सवाल लॉन्ग आंसर में 15 नंबर का आएगा और एक सवाल आपका 8 नंबर के शॉर्ट आंसर में जरूर आएगा, दो सवाल आपके शॉर्ट ए में भी आएंगे, एक एक नंबर में, तो यहाँ से आपका एक यूनिट कंप्लीट है, कम से कम यहाँ से 20-22 नंबर 25 नंबर सवाल आपको आएगा ही आएगा। और जो दूसरा टॉपिक मैं बता रहा हूँ अध्यापक निर्मित और उपलब्धि परीक्षण, इसी में थोड़ा सा ऐड कर लीजिए निदानात्मक को, इस अगर इसको ऐड कर देंगे तो कम से कम 3 सवाल आपको मिले, इन्हीं में से एक सवाल आपको जरूर पूछ लेगा, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों समय की किल्लत है और वीडियो बहुत लंबी होगी तो फिर मुझे अपलोड करने में दिक्कत होगी और आप भी थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, बोर तो नहीं होंगे मैं आशा करता हूँ। देखो बड़ी मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ, मतलब बड़ी मोहब्बत से बनाता हूँ, ठीक है, मुझे खुशी होती है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। रात को ऑलमोस्ट 12:05 हो रहे हैं, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को जाते जाते मैं एक चीज़ कहूँगा, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 2+2 क्या होता है, ठीक है, या फिर एक काम करना, मुझे कमेंट में बस ये बताना कि आपका फेवरेट फ्रूट्स कौन सा है, आपका पसंदीदा फल कौन सा है, आप मुझे कमेंट में बस बताना कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बस ये चेक कर पाऊँ कि कितने आप में से कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक आपने देखा है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई बच्चा कमेंट में बताएगा, कोई भी फल बता देना, लेकिन मुझे ये तो पता चले कि आपने यहाँ तक देखा है, ठीक है, तो आपका पसंदीदा फल कौन सा है ये कमेंट में बता देना। अब एक काम करिएगा आप लोग, एक नोट्स बनाइए, नोट्स बना के आप फटाफट से इस चीज़ को सब लिख डालिए, इनके बारे में, मापन आकलन, मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, इसके अलावा एक और था योगात्मक और संरचनात्मक, सासू माँ वाला, ठीक है, एक बीच में खाने के दरमियान, एक खाने के बाद, मतलब पकाने के दरमियान, एक पकाने के बाद, तो ये भी था संरचनात्मक और योगात्मक। इसके बारे में जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आया, मेरे वीडियोस के आप नोट्स ले सकते हैं, कहीं गूगल से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, जो भी आपको समझ में आया फटाक से एक नोट्स बना लीजिए, और जैसे ही आप नोट्स बनाते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका यहाँ से 20-25 नंबर तैयार हो जाता है और एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप डेली एक एक यूनिट करेंगे तो बहुत आसानी से आपका पेपर हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कमेंट में आप अपनी राय प्रतिक्रियाएँ देंगे, अपने फेवरेट फल के बारे में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं जुड़े हैं चैनल से अगर सब्सक्राइब करते हैं, अपने कॉलेज ग्रुप में भेज देंगे, आप मेरा असेसमेंट कर सकते हैं,
हैं, आप मेरा मूल्यांकन कर सकते हैं, मेरे बारे में कुछ प्रतिक्रिया प्रक्रिया फीडबैक देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं, मुझे वो कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा, मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना होगा क्योंकि फिर हमें अगले वीडियो में आना है और अगले वीडियो में हमें देखना है अध्यापक निर्मित परीक्षण और प्रमाणीकृत परीक्षण। इसको अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और इसके अलावा उपलब्धि परीक्षण भी देखना है जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। तो इनको हम देखेंगे अगले वीडियो में, इसलिए मुझे अभी जाना होगा, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, जाना है। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम तक मेरा और आपका साथ हमेशा बना रहेगा, उसके बाद भी बना रहेगा अगर आप चाहें तो। तो वीडियो से पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।